प्रिंट एफ शाबाश सम ऑफ एंटर नंबर्स इज पर्सन डी कॉमा सम। तो केस वन ठीक है, ब्रेक की अभी जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे, चलो ब्रेक कर लेते हैं इनको बोलते हैं। तो चलिए एंटर योर सजेशन, हम बोलेंगे हमें क्या करना है भाई, प्लस करना है, तो हमने प्लस सेलेक्ट किया, उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर योर नंबर, तो नंबर कौन सा, मैं एक तो 10 लिखूंगा और उसके बाद स्पेस करके दूसरा लूंगा 12, एंटर करेंगे तो द सम ऑफ एंटर नंबर्स इज 22, वी आर सक्सेसफुली, वी हैव डन इट। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़ना है स्विच स्टेटमेंट। जिस तरह हमने लूप्स पढ़े और लूप्स के बाद ब्रेक और कंटिन्यू पढ़ा कल, अब इसी तरह हमें आज की क्लास में पढ़ना है स्विच स्टेटमेंट। ये भी एक तरह की एक फंक्शन होती है, लाइब्रेरी फंक्शन, जो हम सी के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हम स्विच के वर्ड मीनिंग पे जाएं तो स्विच किसको कहेंगे, स्विच मीन्स विच कन्वर्ट्स वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, या हम ये कह सकते हैं सादे अल्फाज में ये कह सकते हैं जो कंडीशन चेंज कराए एक के बाद दूसरी, यानी एक कंडीशन होगी उसके बाद जब हम स्विच करेंगे तो दूसरी कंडीशन पैदा होगी। जैसे ये जो बल्ब का यहाँ पे स्विच है, अगर आप इसका देखोगे यानी फिटिंग स्विच, जब हम इसको ऑन करते हैं तो लाइट आ जाती है, जब हम ऑफ करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका नाम इसी वजह से स्विच है, बिकॉज इट स्विचेस बिटवीन द टू थिंग्स, टू ऑपरेशंस, टू केसेस, दो केसेस के दरमियान ये स्विच कराता है, यानी एक ही स्विच है, यही प्रेस करेंगे तो ऑन होगा, यही प्रेस करेंगे वापस तो ऑफ होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी स्विच, जो सी के अंदर हम स्विच केस यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, एक स्विच होता है स्विच के अंदर, यानी एक फंक्शन हम दे देते हैं, एक कंडीशन हम दे देते हैं, जब तक वो कंडीशन जिस टाइम पे ट्रू होगी, जो मतलब जिस वक्त वो ट्रू होगी उसका वही वाला केस जो है एग्जीक्यूट होता है। जिस तरह हम इफ एल्स के अंदर बात करें, इफ एल्स के अंदर हम क्या करते थे, हम इफ के अंदर एक कंडीशन दे देते थे, देन एल्स लिखते थे, यानी इफ के अंदर कंडीशन दे देते, अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी तो इफ का स्टेटमेंट रन होता था, अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती तो एल्स इफ में चला जाता था, तो फिर वहां पे कंडीशन देखता था, अगर वो वाली कंडीशन ठीक होती तो वो वाला दूसरे वाले का इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो रन करा देती, और उसके बाद इसी तरह चलते चलते तीसरी, चौथी और पांचवी, और इसी तरह चलते चलते जब तक कंडीशन ट्रू होती थी तब तक एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ चलता रहता, जिसको हम एल्स इफ लैडर भी बोलते हैं, इफ एल्स लैडर। उसके बाद अगर सारी कंडीशन फॉल्स होती तो वो लास्ट में क्या करता था, लास्ट में वो वहां पे एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट करता था। सिमिलरली ये उसी का आप समझो कि सबॉर्डिनेट है, इसका काम क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन एक ही बार में दे देते हैं, स्विच के अंदर क्या करते हैं, हम एक ही बार में कंडीशन दे देते हैं, और कंडीशन देने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं कि वेदर द वैल्यू और द कंडीशन सेटिस्फाइज, इफ द कंडीशन सेटिस्फाइज तो वही वाला केस जो उसका इसका दूसरा पार्ट होता है वही केस एग्जीक्यूट होता है। समझ आ रही है बात, तो इसका मतलब क्या समझा हमने कि ये जो स्विच स्टेटमेंट सी के अंदर है ये टेस्ट करता है वैल्यू को, यानी स्विच स्टेटमेंट इन सी टेस्ट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एंड कंपेयर्स इट विद मल्टीपल केसेस स्टेटमेंट्स वंस द केस मैच इज फाउंड। क्या मतलब, यानी ये इसको मैच करता रहता है हर एक केस के साथ, जैसे ही केस का मैच फाउंड हो जाता है विद द कंडीशन, समझ आ रही है बात, तो ये क्या करता है, ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर केस इज एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटेड, या इसका मतलब ये हुआ कि जिस जब कंडीशन ट्रू होगी जिस केस के साथ मैच करेगा ये, तो उस वक्त वही वाला स्टेटमेंट जो हम उस केस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने दी हुई होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाती है। समझ आ रही है बात, बोलने में बहुत ही आसान है लेकिन करने में उससे भी ज्यादा आसान है, कोई टेंशन नहीं, हम सीख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं और प्रैक्टिकल में देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत। यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं सी एंड देन नेक्स्ट एंड देन यहाँ पे नाम रखेंगे इसका SWITCH स्विच केस। इसमें दो चीज़ें होती है, एक स्विच होता है दूसरा केस होता है, स्विच अलग चीज़ है केस अलग, ये वो वाला केस नहीं है, ये दूसरी चीज़ यानी स्विच केस, एग्जैक्टली दीज आर टू सेटअप्स, इसमें केस बहुत बार रिपीट होता है। चलिए देखते हैं अब प्रैक्टिकल में, तो उसे अच्छे से पता चलेगा। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे मेन में आ जाते हैं एंड देन वी विल क्लीन दिस सेक्शन, और यहाँ पे अपना प्रोग्राम, एक सिंपल सा प्रोग्राम इसके ऊपर पहले करेंगे और उसके बाद जो है इसका असली मकसद हम जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो ऊपर प्रोग्राम का नाम भी दे देते हैं स्विच केस, सॉरी सी सी एस
SWITCH, एक बार स्विच है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच करने के लिए सबसे पहले हम एक इंटीजर ले लेते हैं। इंटीजर हम रोज लेते हैं, क्यों? क्योंकि इंटीजर ही हमारा काम आसान कर देता है। तो हम एक इंटीजर लेंगे जिसका नाम हम नम रखेंगे, या नंबर पूरा रख लो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, नंबर। और उसके बाद इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं, जैसे कि हम इसका वैल्यू रखेंगे 8 या 6 रख लो, शाबाश, क्या रखेंगे 6, सॉरी कहां गया। तो यहां पे मैंने इसका वैल्यू रखा 6, यानी इनिशियल वैल्यू नंबर का मैंने 6 दे दिया, क्योंकि मैं इस वक्त खुद ही, इसको बोलते हैं प्रीडिफाइंड, जो मैंने पहले ही बताया था, इनपुट या वैल्यू पास करना प्रीडिफाइंड एंड देन दूसरे के बोला था यूजर डिफाइंड, यानी जब हम यहीं से वैल्यू देंगे इसका नंबर का वैल्यू यहीं से सेट करेंगे, तो दैट विल बी नोन एज अ प्रीडिफाइंड, या आप इसको बोल सकते हो कि प्रोग्रामर डिफाइंड, यानी जो प्रोग्रामर होता है उसने यहीं से डिफाइन किया इसका वैल्यू, ठीक। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड, जिसमें यूजर से ही हम वैल्यू लेते हैं, यानी यूजर की मर्जी है, उससे हम देते थे पूरे, यानी उसको पूरा इख्तियार होता है कि वो कोई भी नंबर लिख सकता है, लेकिन जिसका आप इसको कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हमने 6 रखा बस, ये अब 6 चेंज नहीं होगा, या तो हम यहीं से चेंज करा सकते हैं, यानी एक बार हमने 6 फिक्स कर दिया, अब जब तक हम यहां से चेंज नहीं करेंगे तब तक ये 6 ही रहेगा, बता रही है समझ? Yes, हाँ। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम स्विच केस यूज करेंगे। स्विच में सबसे पहले यहां पे लिखना क्या होता है, स्विच का सिंटैक्स ही इसी तरह स्विच लिखना होता है, और इसी के अंदर हम लिखते हैं क्या, फंक्शन, यानी जो हमें चेक करानी होती है। अब देखो आप इजी मेथड क्या है, हम यहां पे डायरेक्टली नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो ऊपर नंबर है 6, इसको हम यहां पे चेक कराएंगे, इसी तरह चेक करते हैं, बस सिंपली आपको लिखना है यहां पे नंबर, और उसके बाद नंबर लिखने के बाद यहां पे हम कर देते हैं एंटर। एंटर करने के बाद इस स्विच की बॉडी स्टार्ट होगी, इस स्विच की बॉडी स्टार्ट होगी। अब हम लिखते हैं यहां पे केसेस, स्विच के अंदर क्या दूसरी चीज होती है, यूज होती है, एक तो स्विच, दूसरी केस। अब हम यहां पे केस नंबर 1 लिखेंगे, इसका मतलब क्या है जरा मुझे बताओ, यहां तक समझ आया? स्विच में हमने खाली नंबर क्यों लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि नंबर 6 है, यानी यहां पे हमने कोई वैल्यू इसके अंदर दी है। अब स्विच क्या करता है, ये देखता है, क्या देखता है, नंबर, यानी यहां पे 6 है ना, तो अब यहां पे चेक किया जाएगा केस में, क्या किया जाएगा चेक, केस, केस नंबर 1, केस नंबर 1, यहां पे इसी तरह लिखना होता है, केस नंबर 1, या जो ऊपर नंबर है ना, ये आप समझो कि यही जो है ये वाला नंबर है, कुछ समझ में आया? यानी यहां पे हमने 6 लिखा, अब हम केस 1 डिफाइन कर रहे हैं, इट मींस दैट कि अगर नंबर के अंदर 1 होगा, वही समझ आ रही है? यानी केस 1 का मतलब ये होता है कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी हम ये कहेंगे कि अगर नंबर के अंदर 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, तो इसका स्टेटमेंट प्रिंट करो, बात आ रही है समझ, इजी है, इजी। और यहां पे हम इस तरह लिखते हैं, किस तरह, यानी केस का सिंटैक्स इस तरह, केस देन 1 लिखना है, और उसके बाद कोलन, उसके बाद यहां पे नीचे लिखेंगे प्रिंट, क्या लिखेंगे, प्रिंट है, यानी अगर नंबर के अंदर स्टोर हुआ 1, यानी अगर नंबर के अंदर 1 होगा तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप कहोगे कि वैल्यू इज, या आप बोलोगे नंबर इज 1, या वैल्यू लिखेंगे VALUE, या आप लिखो यहां पे करंट CURRENT, करंट वैल्यू इज, करंट वैल्यू इज, अब करंट वैल्यू क्या है, 6 नहीं, करंट वैल्यू केस 1 लिखा है ना हमने, तो करंट वैल्यू इज 1, यहां पे हम डायरेक्टली 1 लिखेंगे, बस इतना लिखना है इसमें। ये अभी आपको पूरा समझ नहीं आ गया जब तक मैं 2 एग्जांपल्स इसकी अलग अलग नहीं डिफाइन करता, मैं हम दो प्रोग्राम्स करेंगे उसमें आपको इजीली फिर समझ आएगा, अभी आप खाली इतना समझो कि मैं कैसे ये कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैं दूसरा सेटअप क्या करूंगा, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट जैसे ही प्रिंट होगा तो यहाँ पे ब्रेक यूज होगी, क्या यूज होगी, दूसरी ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होता है, बस यहां रुकना है, क्या ये मैंने कल पढ़ाया था ना, ब्रेक एंड कंटिन्यू, तो अब यहाँ पे ब्रेक यूज होगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज होगी, केस 2 की जगह हम डायरेक्टली लिखेंगे 3, क्योंकि हमने 6 लिखा है ना, या तो हमें एक एक करके इनको डिफाइन करना है, केस 1, केस 2, अप टू 6 या अप टू 8, बात आ रही है समझ? अभी आप ध्यान रखो, बाद में मैं समझाऊंगा इस चीज को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे केस 1 को लेकर ब्रेक तक इस पूरे को मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ पे 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 बार मैंने इसको पेस्ट किया।
अब इसका मतलब क्या है, पहला वाला जो है केस वन वो यहां से स्टार्ट होता है, ठीक। अब हमने क्या लिखा, केस थ्री, और यहां पे मैं लिखूंगा डायरेक्टली केस फाइव। ब्रेक कहां है, ये आ गया केस वन, ये यहां से लेकर यहां तक है, ठीक। उसके बाद केस थ्री, इसका ब्रेक कहां है, इसका ब्रेक अलग से रखना है। अगर ब्रेक नहीं होगी तो ये फिर उल्टा हो जाएगा, फिर ये दो दो स्टेटमेंट्स रन कराएगा, ठीक। के बाद हम फाइव लेंगे, फाइव के बाद यहां पे हमारा ब्रेक के बाद जो केस है ये सेपरेटली आना चाहिए इस तरह, ताकि हमें पता चले कि केसेस कहां से कहां तक है। फाइव, फाइव के बाद यहां पे हम यूज करेंगे सेवन, सेवन के बाद यहां पे हम यूज करेंगे नाइन, नाइन के बाद हम यहां पे यूज करेंगे केस नंबर एट। इसमें पोजीशन की कोई मतलब जो है कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। तो यहां पे आप नाइन लिख लो, नाइन दो बार आ गया, कोई बात नहीं, तीन बार भी लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं फिर से टू दे देता हूं, और उसके बाद यहां पे बस इतने ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना काफी है। कितने आए, एक दो केसेस कितने हैं टोटल, एक दो तीन चार पांच छह सात। अब जितने भी हमें क्या करना है, हमें बस यहां पे देखना है, अगर केस वन एग्जीक्यूट हुआ तो देन करंट वैल्यू इज वन, अगर केस थ्री तो करंट वैल्यू इज थ्री। आप कुछ भी लिखा सकते हो, अगर फाइव हुआ तो फाइव, अगर सेवन हुआ तो, ये आपकी मर्जी है आप क्या मैसेज देना चाहते हो। मैं इस वक्त इसलिए ये वैल्यू दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि केस नाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर जो भी होगा वही एग्जीक्यूट होने वाला है, बात आ रही है समझ। तो अब यहां पे दे देते हैं क्या टू, और लास्ट में दे देते हैं यहां से एट, असल में यही वाला एग्जीक्यूट होने वाला है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं सिक्स वाला ही होने वाला है, सिक्स हमने लिखा कहीं पे, ओ वाह, तो सिक्स तो जरूरी है क्योंकि वही तो एग्जीक्यूट करना है ना, होगा भी वही। देखो अब जब मैं इसको रन करूंगा ना, आप देखना यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, यानी प्रिंट हमारे पास कितने स्टेटमेंट्स है, है ना बहुत सारे। तो अब यहाँ पे कोई भी प्रिंट हो सकता है, इसी का मतलब होता है स्विच, यानी ये हमारा एक स्विच है, एक ही स्विच है जिसका नाम नंबर है, नंबर के अंदर जो वैल्यू होगा उसके साथ जो केस मैच करेगा वही एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे नंबर क्या है, सिक्स, इट मीन दैट केस नंबर सिक्स विल बी, ये केस नंबर एक्चुअल में कितने बार, कौन सा केस है, एक दो तीन चौथा केस है, तो केस नंबर ये एग्जीक्यूट होने वाला है। तो हम लिखेंगे करंट वैल्यू इज सिक्स एंड इट्स केस नंबर एंड इट, जब मैं यहां से F8 प्रेस करूंगा, आप देखो क्या प्रिंट हुआ, एंड केस नंबर फोर। तो इसका मतलब क्या हुआ, शाबाश, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो यहाँ पे यूज किया स्विच स्टेटमेंट, स्विच में हमने क्या दिया भाई, सिक्स। अब सिक्स्थ वाला जो केस होगा, यानी केस जिसके अंदर सिक्स लिखा है, बात आ रही है कुछ समझ, इसीलिए मैंने यहां पे फोर्थ केस नंबर फोर्थ में मैंने सिक्स यूज किया। मैं सिक्स्थ वैल्यू पे भी कर सकता था, तो उससे पता चल जाता था कि शायद ये क्या सीरीज मैच कर, इसलिए मैंने सीरीज को भी नहीं लिया यहां पे, मैंने नाइन लिया फिर टू लिया, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि जो केस का नाम होगा, दिस इज द नेम ऑफ द केस, आप इस तरह समझो, जो केस का नाम होगा और ऊपर जो आपने इसके स्विच के अंदर वैल्यू जो पास की हुई होगी वही एग्जीक्यूट होगी। समझ आया कुछ, हाँ चलिए अब वापस चलते हैं, अब दूसरी चीज करते हैं, इजीली समझेंगे आप। मैं अब दूसरा, अब ये वाला करते हैं, कौन सा वाला, अगर हमें केस नंबर वन प्रिंट कराना है तो यहां पे क्या देंगे वैल्यू वन, एग्जैक्टली। तो मैं इसको सेव कर देता हूं, F8 प्रेस करते हैं, अब देखो यहां पे क्या आया, करंट वैल्यू इज वन, यानी केस नंबर वन एग्जीक्यूट हुआ। अब अगर मुझे इसी तरह नाइन्थ वाला करना है तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे ऊपर, नाइन, शाबाश, क्या लिखेंगे, नाइन। तो जैसे ही मैंने नाइन लिखा तो आप देखो करंट वैल्यू इज नाइन, समझ आया कुछ, yes, sir। तो इट मीन, और मैसेज आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अब देखो हमारे पास कितने केसेस हैं, बहुत सारे, लेकिन इसमें एग्जीक्यूट कितने होते हैं, खाली एक, खाली एक। और एक चीज, अगर आपको दो दो स्टेटमेंट्स एक साथ में प्रिंट कराने, यानी दो केसेस एक साथ, तो आप इस ब्रेक को हटा दो, इस ब्रेक को हटा दो। अब यहां पे चेक होगा, अगर केस थ्री होगा या फाइव होगा, क्या केस थ्री होगा या फाइव होगा, दोनों में से जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा, तो हम दोनों को चेक करते हैं। और अगर थ्री होगा और फाइव होगा, अगर थ्री हुआ तब भी ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे, अगर फाइव हुआ तो दोनों एग्जीक्यूट तब भी होंगे। कुछ समझ आया, yes, sir। तो ऊपर वैल्यू करते हैं, पहले देते हैं थ्री, ठीक है, F8 प्रेस करते हैं, आप देखो कितने स्टेटमेंट्स रन हो रहे हैं, दो,
करंट वैल्यूज 3, करंट वैल्यूज 5, और मैंने वैल्यू क्या दिया था, तो दो केसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब यहां पे वैल्यू देते हैं 5, जैसे मैंने 5 दिया, अब यहां पे F8 प्रेस करते हैं, आप देखो क्या हो रहा है, एक ही आ रहा है, क्यों, बिकॉज ये नेक्स्ट है, तो इट सी फॉलोज टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब होता है जो पहले होगा पहले उसको चेक किया जाएगा, देन सेकंड, देन उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, जो लास्ट वाला होगा फाइनल में वही एग्जीक्यूट होता है। कुछ समझ आया? तो दैट इज कॉल्ड, अब यहां पे जब हम 3 यूज करेंगे, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, यहां पे जब हम 3 यूज करेंगे तो क्या होगा, केस 3 भी एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद 4, केस नंबर 5 भी, और उसके बाद अगर आप यहां पे भी ये ब्रेक हटा देते हो तो यहां पे नेक्स्ट वाला केस भी एग्जीक्यूट होगा। समझ आया कुछ? है ना, तो एक एक करके हमने इनको एग्जीक्यूट भी कराया और नंबर जो है इस तरह यूज किया। अब हम क्या करते हैं, यहां पे और एक चेंज कर देते हैं, सिंपल सी चेंज करूंगा मैं, नंबर को इनिशियलाइज करता हूं 0 से, और यहां पे जिस तरह हम प्रिंट करते हैं मैसेज उसी तरह एक प्रिंट एफ यूज करेंगे। अब हम यूजर से नंबर लेंगे, कैसे लेंगे, यूजर से, तो यूजर को क्या बोलेंगे, एंटर योर नंबर। लेकिन यहां पे ऐसे नहीं लिखा जाता है, यूजर तो कुछ भी लिखेगा, वो हमारे केस से मैच भी होना चाहिए ना। yes, तो यहां पे अब आपको चेंज करनी होगी, आप यहां पे 5 के बाद आप दे दो 7, 7 के बाद 9, और 2 को हटा दो, 2 के बजाय दे दो 1, बात आ रही समझ, 8 को भी हटा दो, 8 के बजाय दे दो 11, 11 तो देना ही नहीं है हमें, इस इतने हमें चाहिए ही नहीं, हम इतने ही दे देंगे। केस 1 9 7 5, अब इसमें क्या सेम लग रहा है आप लोगों को, कुछ सेम लग रहा है? एग्जैक्टली, यानी इसमें एक खासियत है, इनमें मैंने एक खासियत डाल दी, दैट इज एवरी नंबर इज ऑड, एवरी केस इज ऑड। तो यहां पे हम यूजर को बोलेंगे कि एंटर नंबर, एंटर योर नंबर, बट द नंबर शुड बी, वो जो नंबर आप लिखोगे ना वो होना चाहिए ऑड, इसमें लिखेंगे ओनली ऑड नंबर्स अप टू, शाबाश, दस तक, ठीक है, NUMBERS, नहीं नहीं नहीं, अप टू का मतलब होता है दस तक, ठीक है, यहाँ पे लेस देन नहीं यूज होगा क्योंकि वी आर इनसाइड द, वो लेस देन, यहाँ आप इस तरह लिख सकते हो, फिर आपको चेंज करना ओनली ऑड नंबर्स, यहाँ पे फिर इस तरह लिखना पड़ेगा लेस देन, क्या बोलते हैं उसको, लेस देन 10, ठीक है, तो इस तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है, वी आर डायरेक्टली प्रिंटिंग दिस मैसेज, जो कोड्स के अंदर है ना वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाती है। समझ आया कुछ? yes, sir. अब उसके बाद क्या करेंगे यहां पे बताओ, क्लोज करेंगे एंड देन, इतना पढ़ाने के बाद, इतने क्लासेस देने के बाद भी आप नहीं बता रहे, तो किस तरह से स्टोर करेंगे, परसेंट डी, और उसके बाद यहां से कॉमा करके एम परसेंट नंबर। ये तो हर रोज करते हैं, इन चीजों को याद रखना चाहिए, हो गया। yes, सेव करते हैं, अब यहां पे क्या करें, और दूसरी चीज, चलो पहले इतना करते हैं, फिर मैं बाद में दूसरी चीज दिखाऊंगा। अब यहां पे क्या करते हैं, बिल्ड और रन, एरर है, व्हाई, बिकॉज केस 1 रिपीट हो रहा है, ये दो बार है, ठीक है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। F8 प्रेस करते हैं, एंटर योर नंबर, ओनली ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो अब जब मैं 7 दूंगा, क्या दिया मैंने, ऑड है, इवन और, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो करंट वैल्यू 6 एंड केस नंबर 4th। अब इसका मतलब क्या है जरा बताओ, जो वहां पे लिखा है, लेकिन मैसेज के अंदर हमने लिखा है 6, असल में ये है 7। अब यहां पे देख लो, 7th केस नंबर 7th में क्या लिखा, करंट वैल्यू 6, हालांकि यहां पे 7 होना चाहिए, एंड केस नंबर 4th, बता रही है समझ। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 7, केस नंबर 3 या 4, फोर्थ ही है, 1 3 5 एंड 7, ये फोर्थ केस है, ठीक है, तो सेव करते हैं, वापस F8 प्रेस करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हम 5, एंटर करेंगे तो क्या बता रहे, करंट वैल्यूज 5, उसके बाद वापस क्लोज करते हैं, F8 प्रेस करते हैं, अब लिखेंगे 1, क्या बता रहा है, करंट वैल्यूज दिख रहा है, चलिए F8 प्रेस करते हैं, अब नंबर लिखते हैं यहाँ पे 3, एंटर, करंट वैल्यूज 3, करंट वैल्यूज 5, 2 क्यों आ गए, एग्जैक्टली 3 और 5 के दरमियान ब्रेक ही नहीं है, तो जब ब्रेक ही नहीं है तो ये दोनों एग्जीक्यूट करेगा, समझ आया? yes, तो अब 5 पे क्या होगा, ओनली 5, क्यों, क्योंकि दिस इज लास्ट वन, यानी ये एक ही है अलग, उसके बाद ब्रेक है। yes, और इसी तरह 9 का करना है तो 9 का कर लो, ये बाकी आया समझ। yes, तो इसको बोलते हैं हम स्विच, क्या बोलते हैं, इसी को स्विच और केस।
स्विच यहां पे यूज होता है, उसमें हम कंडीशन दे देते हैं और वही फिर यहां पे उसी केस के हिसाब से यहां पे प्रिंटिंग कराता है। समझ आया? अब यहां पे और एक चीज आपको याद रखनी होगी कि जिस फॉर्मेट में आपने नंबर यूज किया, क्या क्या बोला मैंने, जिस फॉर्मेट में नंबर यूज किया, यानी जो डेटा टाइप आपने यहां पे यूज किया, नीचे भी आप उसी में यहां पे वो चीजें यूज करोगे। जैसे अगर आपने यहां पे CHAR कैर नंबर लिया है और जीरो के बराबर बराबर तो ये रखना ही नहीं है फिर, और नंबर भी यहां पे आएगा नहीं, तो हम लिखेंगे ALPHA अल्फा, ठीक है। कैर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर डेटा टाइप, इसका नाम मैंने अल्फा रखा और इसको किसी के बराबर नहीं रखा, इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। अल्फा क्यों रखा मैंने? वी विल यूज अल्फाबेट्स। अब यहां पे मैं ए यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ 1 2, क्यों? क्योंकि मैंने कैरेक्टर लिया है अल्फा। और यहां पे यूज क्या होगा फिर? एग्जैक्टली, क्योंकि हमें अल्फाबेट यूज करना होगा, ALPHA यही है। और दूसरी चीज, स्विच के अंदर भी क्या चेक किया जाएगा? एग्जैक्टली, ALPHA। और उसके बाद यहां पे भी चेंज किया जाएगा, आप जो भी रखना चाहते हो आप डी रखो, और कैपिटल रखना है या सुमार रखना है ये तो आपको ही डिसाइड करना है। असल में हमें सुमार ही रखना चाहिए था लेकिन हमने ये रख दिया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार, चेक करते हैं और यहां पे यूज करते हैं टी। लेकिन ये याद रखने हैं कौन कौन से हमने दिए, ADHZT, बस इतने हैं, ठीक है। अब इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। F8 प्रेस करते हैं तो यहां पे पहले ही एरर, व्हाई? बिकॉज दिस इज परसेंट डी एंड इट शुड बी परसेंट सी, व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग कैरेक्टर्स, वेरी गुड। तो F8 प्रेस करते हैं, फिर से एरर, व्हाई? हाँ, वो एग्जैक्टली, वी आर गिविंग द इन रॉन्ग फॉर्मेट। हमें क्या करना होगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं। जब हम अल्फाबेट देंगे ना तो उसके लिए हमें सिंगल कोट्स यूज करने हैं, ये मैं भूल गया था, इसके लिए हमें सिंगल कोट्स यूज करने हैं। अब सेव करते हैं, एफिट करते हैं प्रेस, देखो आ गया यहाँ, ठीक है, ये मैं भूल गया था। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इनके दरमियान सिंगल कोट्स, आया कुछ समझ? तो यहाँ पे टी यूज करेंगे, पहले भी ये और बाद में भी ये। सेव करते हैं और एफिट प्रेस करते हैं। अब क्या बता रहा है, एंटर योर नंबर, ये तो मैसेज भी कुछ भी आएगी क्योंकि हमने यही लिखा। yes, अब हम ए लिखते हैं, क्या लिखा मैंने? ए, एंटर करते हैं तो क्या बता रहा है, करंट वैल्यू इज, तो सही है, yes, है कि नहीं? अब आप यहाँ पे मैसेज भी चेंज करोगे, एंटर योर नंबर की जगह एंटर योर अल्फाबेट, एंटर ए टू जेड, एंटर अल्फाबेट इज फ्रॉम ए टू जेड, एंटर PHABITS, अल्फाबेट इज फ्रॉम ए टू जेड, पता नहीं क्या है, तो आप स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, फ्रॉम ए टू जेड। तो जब हम यहां से ए से लेकर जेड तक लिखेंगे तो वो किस टाइप का होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का, और स्टोर कराएंगे अल्फा में, अल्फा फिर यहां पे स्विच कराएगा और यहां पे मैसेज होगी यू हैव एंटर्ड ए। आप कुछ भी लिख लो, आपकी मैसेज है, आप जो चाहो कर लो, समझ आ रही बात? प्रिंट एफ में आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी यू हैव एंटर्ड ए, या आप लिख सकते हो कि कोई भी मैसेज कर लो, ए फॉर एप्पल, ए फॉर, वो भी लिख सकते हो आप, ए फॉर एप्पल, आपकी मर्जी है। और इसी तरह यहां पे जब डी लिखेगा तो डी फॉर डॉग, डी फॉर डू इट, डी फॉर डू इट, ठीक है, इसी तरह जो भी है। तो अब हम डी को करेंगे और देखेंगे कि ये उससे फर्क पड़ता है या नहीं, किसे, कैपिटल सुमाल से। पहले हम देंगे सुमाल डी, तो एंटर करेंगे तो क्या दिखा रहा है? नथिंग। तो इट मींस दैट कि सुमा ये जिस तरह हमने लिखा है उसी तरह केस का नाम जो है उसी तरह हमें यहां पे होना चाहिए, क्या वैल्यू। तो अब हम कैपिटल डी लिखेंगे, तो उसके बाद एंटर करेंगे तो आप देखो आ गया डी फॉर डू इट, करंट वैल्यू इज 5, तो यहां पे दोनों इसने किया, ठीक है, समझ आया कुछ? चलो बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा स्विच केस, स्विच और केस। दूसरी चीज हम देखते हैं यहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है स्विच के अंदर, दैट इज हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक काम करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज दैट, हम एक इंटीजर लेंगे और उसके बाद इंटीजर ही लेंगे, चलो इंटीजर ले लेते हैं आई। और उसके बाद देखो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो भी ऑपरेशन करना है तो वो किस में कराएंगे, केस में। तो सॉरी हम केस या यहां पे हम लिखते हैं चलो आई ही लिख लो, नहीं कुछ भी लिख लो, नहीं नंबर तो नहीं आएगा ना क्योंकि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट देम, एंड क्या बोलते हैं उनको, हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं अभी,
हम कैलकुलेटर बनाएंगे अभी, एंड इंट वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, और क्या लिखेंगे, चलो वो उनको क्या बोलते हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, तो इंट ऑपरेटर ऑपरेटर्स यूज करेंगे, ठीक है, ऑपरेटर्स, क्योंकि अगर हम ऑपरेटर लिखेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी जरा बताओ, प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि ऑपरेटर एक फंक्शन है। या आप एक काम कर लो यार, कोई नाम बता दो ना कैलकुलेटर के लिए इसमें एडिशन सब, तो कैलकुलेटर सी ए एल लिखते हैं, सी ए एल यू, ठीक है। तो एक हमने लिया क्या, लेकिन ये कैलकुलेटर में हम लिखने वाले क्या है जरा बताओ, कैरेक्टर्स, क्योंकि सिंबल्स इसी में आते हैं, हमें सिंबल्स देखनी है ना यार, ये देख लिया करो। अब हम क्या करने वाले, कैलकुलेटर बनाने वाले, जिसके लिए हमने एक कैरेक्टर डेटा टाइप लिया और उसका नाम रखा सी ए एल यू, समझ आया। अब यहां पे हम लेते हैं इंटीजर्स, इंटीजर किस लिए, इंटीजर्स दो लेंगे, एक लेंगे ए और दूसरा लेंगे बी, समझ आया कुछ, तो इन दोनों को लिया। अब ए और बी से हमें क्या कराना है जरा बताओ, कैलकुलेशन करानी है। इंटीजर दो लिए ए और बी, इनका इनिशियलाइज इनिशियल वैल्यू भी आप डिफाइन कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, आगे हम लिखने वाले हैं प्रिंट एफ, क्यों, हम यूजर से बोलेंगे भाई किन दो को आपको क्या करना है, नहीं नहीं नहीं, पहले हम इसको बोलेंगे कि आप भाई, वो तो सूच में बताएंगे ना, पहले इसको हम बोलेंगे भाई आप क्या करना चाहते हो, बता क्या बोलेंगे इसको, सिलेक्ट, सिलेक्ट नहीं, एंटर, एंटर योर सजेशन, ना 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 नंबर इसको जरूरत है, नंबर बाद में देखेंगे इसके नंबर। अब पहले क्या देंगे हम, प्लस कामा माइनस एंटर योर सजेशन, प्लस करना है माइनस करना है, शाबाश, डिवाइड करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये हमने यूजर से बोल दिया, ठीक है। इनमें से जो भी ऑपरेशन आप करना चाहते हो, एंटर योर चॉइस, और उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस डाल देंगे, इसके अंदर यहाँ पे एक स्पेस डाल देंगे और कहेंगे कि भाई आप अपनी चॉइस सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो जैसे हमने ये किया, अब हमने यहाँ पे मतलब जब यूजर सिलेक्शन करेगा, क्या बोला मैंने, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर को क्या बोल रहे हैं हम कि अपनी सजेशन सिलेक्ट करो, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोलेंगे हम, शाबाश, दूसरी चीज इसको स्कैन कराएंगे, क्या कराएंगे, स्कैन, इसको सेव कराएंगे कि यूजर ने सिलेक्ट क्या किया है, ये तो स्कैन कराना पड़ेगा ना। अब ये किस में है, सी है ना, तो यहाँ पे परसेंट सी यूज होगा क्योंकि कैरेक्टर टाइप है, परसेंट सी और कामा के बाद किस में स्टोर कराएंगे, सी ए एल यू, लेकिन एम परसेंट के साथ, सही है गलत है, कोई क्वेश्चन, तो हो गई दो चीजें। अब तीसरी चीज क्या करनी है, तीसरी चीज अब हम यूजर को बोलेंगे कि अब आप क्या लिखो, जो भी जो नंबर्स आपको चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और एक प्रिंट एफ यूज करेंगे, और उस प्रिंट एफ के अंदर अब यहां पे प्रिंट एफ होगा, प्रिंट एफ के बाद यहां ये बोलेंगे एंटर योर नंबर्स, दो नंबर से लिखेगा, ठीक है, कॉमा करके एंटर योर नंबर्स, और उसके बाद स्पेस डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे वापस इन दोनों को भी क्या कराएंगे, स्कैन, स्कैन क्यों, ताकि ये स्टोर हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, शब्द जरा बताओ, परसेंट डी दो बार, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद यहाँ पे एम परसेंट ए, और कॉमा करने के बाद एम परसेंट बी। कोई शक, कोई क्वेश्चन, यहां तक तो सही है। उसके बाद स्विच यूज करेंगे, इजी है, क्या करेंगे यूज, स्विच, एस डब्ल्यू आई टी सी एच, स्विच यूज करेंगे, और स्विच के अंदर क्या लिखेंगे, स्विच के अंदर लिखेंगे भाई, हाँ, कैलको, यानी कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर क्या होगा, साइन। अब यहां पे आपको समझना है, हम क्या करेंगे कि जो यूजर साइन एंटर करेगा, अगर अब देखो यहां पे, अगर साइन के अंदर प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, तो हमें क्या करना है, केस, अब देखो कैसे लिखना है, केस यहां पे प्लस, इसका मतलब होता है कि जब प्लस होगा, अभी मैंने 1 2 पे दिखाया था ना, तो प्लस मगर कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये सिंबल है, यानी कैरेक्टर है, तो इसको डबल सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्लस हुआ किस में, अगर यूजर ने प्लस लिखा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सोचने वाली तो बात ही नहीं है, अगर यूजर ने प्लस लिखा देन केस प्लस एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब केस प्लस जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होना चाहिए, वो हम यहां पे बता देंगे, इसको क्या बताएंगे, प्रिंट एफ, शाबाश, जरा बताओ, या पहले एक फंक्शन रिलीज कराएंगे, प्रिंट एफ में हम क्या कराएंगे, फंक्शन,
हम एक चीज करेंगे यहाँ पे, पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ, मैं ये चेक करूंगा ठीक है, ये टेस्टिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम और एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे और एक वेरिएबल लेंगे, लेकिन फिर तो हमें चार लेने पड़ेंगे। पहले एक ले लेते हैं, सम इक्वल टू जीरो, एग्जैक्टली यहाँ पे कॉमा सम इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा जरा बताओ, चलो सम इक्वल टू ए प्लस, ये तो सही है ना, तो यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ, और इसमें क्या लिखेंगे जरा बताओ, सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज परसेंट डी, और उसके बाद पहले इन दोनों को ब्रैकेट्स में रखना है, ये डबल कोट्स, प्रिंट एफ, शाबाश, सम ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज परसेंट डी कॉमा सम। जरा देखते हैं क्या होने वाला है इससे। तो केस वन ठीक है, ब्रेक की अभी जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे, चलो ब्रेक कर लेते हैं। तो एफ एट प्रेस करते हैं और देखते हैं कितने एरर्स हैं हमारे पास, ब्रेक के सेमिकोलन या टर्मिनेटर जिनको बोलते हैं। तो चलिए एंटर योर सजेशन, क्या हो रहा है इसको, एंटर योर सजेशन, हम बोलेंगे हमें क्या करना है भाई, प्लस करना है, तो हमने प्लस सेलेक्ट किया, उसके बाद एंटर करेंगे, एंटर योर नंबर, तो नंबर कौन सा, मैं एक तो 10 लिखूंगा और उसके बाद स्पेस करके दूसरा लूंगा 12, एंटर करेंगे तो सम ऑफ एंटर नंबर्स इज 22, वी आर सक्सेसफुली, वी हैव डन इट भाई, हुआ कि नहीं, 10 प्लस 12 कितने भाई 22, तो यहां पे तो यही बता रहे हैं सम ऑफ एंटर नंबर्स इज 22, तो हमने प्लस सेलेक्ट किया था। अब देखो कैसी प्रोग्रामिंग काम करती है, समझ आया कुछ? तो ये जो आप यहाँ पे सम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम ये मेरे ख्याल से उसके साथ भी करा सकते हैं, किसके साथ, यहाँ पे तो ऊपर हमने वैल्यू किया ना, डिक्लेयर ये ए बी एंड सम, तो आप अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन के लिए अलग एक ये लेना पड़ेगा यहाँ पे, समझ आ रही है कुछ? तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम इनका यहाँ पे सम कराएं, और एक तरीका है ना, जहाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, तो फिर तो हमें अलग अलग इसके लिए सम के लिए अलग, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग, तो हम क्या एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इसका सम करते हैं, हम क्या बोलेंगे, नहीं ए कामा बी, क्या लिखेंगे, ए कामा बी, और उसके बाद लिखेंगे कामा करके ए प्लस बी, कुछ समझ आया ये, हाँ इसको हटा दो एक बार के लिए, परसेंट डी, एक बार फिर से परसेंट डी, क्या कितने हुए दो, फिर करेंगे एक बार और परसेंट डी, परसेंट डी, शाबाश, प्लस परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी, कोई शक इसमें, ये मैंने परसों आपको एक बार दिखाया था मेरे ख्याल से, लेकिन आप लोगों को याद नहीं, चलो देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं। तो विल सिलेक्ट यार प्लस, हम क्या यूज करेंगे, वापस प्लस और एंटर करेंगे, तो पहला नंबर लिखेंगे 22 एंड दूसरा नंबर लिखेंगे 32, 32 प्लस 22 इज इक्वल टू 54, तो जैसे एंटर करेंगे तो आप बताओ क्या बताया इसने, द सम ऑफ एंटर नंबर्स इज 54, तो नाइस वी हैव डन इट सक्सेसफुली, ये मैंने आपको दिखाया था कि कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सम किया, अब इसी को वापस कॉपी कर लो केस को और बाकी चीजें भी करा लो, अब इस सम की हमें जरूरत नहीं है, समझ आ रहा, तो हमें ए और बी ही चाहिए खाली। अब यहां से यहां तक तो आ गया ना, अब एंटर कर लो दूसरा, शाबाश, तीसरा, चौथा, चार आ गए। अब केस नंबर वन में हमने प्लस लिखा, केस नंबर टू में क्या लिखेंगे माइनस, केस नंबर थ्री में क्या लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन, एंड देन केस नंबर फोर्थ में लिखेंगे डिविजन, कोई शक? लेकिन यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा, ए एंड बी, सम की जगह यहां पे क्या लिखेंगे, शाबाश, सब्ट्रैक्शन, एस यू बी, वालेकुम सलाम, एस यू बी टी आर ए सी टी आई ओ एन, सब्ट्रैक्शन ऑफ एंटर्ड नंबर्स इज प्लस, यहां पे सब्ट्रैक्शन की जगह माइनस आएगा, एंड यहां पे ए माइनस बी आएगा, कोई क्वेश्चन? सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन, एम यू एल टी आई पी एल आई सी सी ए PLICATION, multiplication, ओ इतना बड़ा multiplication, of entered numbers is percent d plus की जगह multiply, percent d multiply percent d is equal to percent d, a comma b, a multiply b, कोई शक? लास्ट वन इज डिविजन, लास्ट वी विल यूज हियर डिविजन, डी आई वी आई एस आई ओ एन, डिविजन ऑफ एंटर नंबर इज दिस, एंड देन डिवाइड, एंड लास्ट डिवाइड, कोई क्वेश्चन?
लेट अस सेव इट एंड लेट अस डू दिस. व्हाई? यहां पे हमने यहीं पे ये क्लोज किया है, ये लास्ट में क्लोज करना है भाई, क्योंकि ये स्विच का स्विच की बॉडी है. ठीक हो गया? Yes, इसको क्या हो रहा है भाई, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? चलो एंटर योर सजेशन. अब हम माइनस करते हैं. हमने माइनस सिलेक्ट किया, एंटर योर नंबर. 32 से माइनस करेंगे 10, तो कितने बचेंगे? 22. तो सही है या गलत है? सही है ना? तो वापस करते हैं दूसरी चीज, सेव करते हैं एंड एफ एड करते हैं. एफ एड के बाद यहाँ पे अब क्या करेंगे? डिवीजन. ठीक है, डिवीजन के बाद यहाँ पे मैं एंटर करूंगा. हम 50 को डिवाइड कराएंगे 5 से. 50 को डिवाइड कराएंगे तो रिजल्ट क्या आने चाहिए? 10. तो 50 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 10. ये सही है गलत है? सही है. वालेकुम अस्सलाम. नेक्स्ट, सेव करके एफ एड प्रेस कर लो. अब करना है मल्टीप्लीकेशन. 10 सॉरी, पहले सिलेक्ट करना है कि व्हाट वी आर सपोज टू डू. हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो अब एंटर योर नंबर्स. पहले करेंगे 10 के साथ, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 को तो व्हाट शुड बी द रिजल्ट? 100. तो एंटर करके यहाँ पे देखो, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100. हमने कैलकुलेटर बना दिया, लेकिन ये ऐसा कैलकुलेटर है जो एक बार चल गया तो फिर क्लोज करके फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा. बात आ रही है समय? Yes, sir. तो एग्जीक्यूशन मल्टीपल टाइम. बाकी आप देख लो कि प्रोग्राम कितना सीधा और सादा है. इसके अंदर हमने स्विच और केस यूज किया. पहले हमने स्विच यूज किया, स्विच के अंदर हमने क्या लिखा? कैलकुल. ये बहुत ही ईजी है. हमने एक इंटीजर लिया जिसका नाम कैलकुलेटर रखा, यानी CALU. ये आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो. उसके बाद हमने इंटीजर दो लिए, एक ए और दूसरा बी. फिर हमने प्रिंट कराई एक मैसेज जिसके अंदर हमने बोला कि आप अपनी सजेशन लिख लो कि आप एडिशन करना चाहते हो, मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो एंड डिवीजन, और सॉरी माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन करना चाहते हो. आप यहाँ पे ए बी सी डी भी लिख सकते हो. एंटर योर सजेशन. आप जो है एस रखो किस लिए? सम के लिए. और एस यू रखो किसके लिए? माइनस के लिए. और इसके बाद डी आई डी रखो किसके लिए? डिवीजन. और एम रखो मल्टीपल के लिए. ठीक. देन स्कैन अप कराओ परसेंट सी के अंदर, क्योंकि हमने इसका जो डेटा टाइप लिया वो कैरेक्टर टाइप है. और यहाँ पे इसको स्टोर भी कराएंगे किसके अंदर? इसी कैलकुलेटर के अंदर. ठीक. देन यहाँ पे हमने दूसरा प्रिंट अप यूज किया जिसके अंदर हम यूजर से बोलते हैं कि भाई आप अपना नंबर लिख लो. तो वो पहला नंबर लिखता है और उसके बाद दूसरा नंबर. हमने दोनों एक ही साथ किए हैं. आप अलग अलग भी कर सकते हो, यानी पहले में लिखोगे एंटर यूर फर्स्ट नंबर और उसके बाद पर्सन डी के अंदर सेव कर सकते हो और यहाँ पे ए यूज करोगे. उसके बाद दोबारा एंटर यूर सेकंड नंबर, देन पर्सन डी यूज करोगे और उसको बी के अंदर स्टोर करोगे. बात आ रही है कोई समझ? मैंने दोनों को एक साथ किया, दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ी सी जंबलिंग लग रही है. अदरवाइज यू कैन यूज सेपरेटली. देन मैंने यहाँ पे स्विच यूज किया, जो आज का हमारा टॉपिक था, दैट वाज स्विच. तो स्विच में हमने क्या लिखा? कलकु. यानी यूजर ने जो भी ऑपरेटर यहां पे सिलेक्ट किया हुआ होगा, चाहे प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का, जो भी वो ऑपरेटर करेगा वो किस में होगा? कलकु के अंदर. तो वही यहां पे चेक होगा. उसके बाद अगर यूजर ने यहां पे इस तरह कंडीशन होती है, अगर यूजर ने प्लस लिखा तो आपको क्या करना है? आपको ये मैसेज प्रिंट करनी है, सम ऑफ एंटर नंबर्स इज परसेंट डी. परसेंट डी का मतलब होता है पहला नंबर प्लस परसेंट डी, यानी दूसरा नंबर जो ए के अंदर होगा, जो बी के अंदर होगा, इन दोनों का इज इक्वल टू परसेंट डी, यानी जो ए प्लस बी होगा, यानी इन दोनों का सम. ए के अंदर क्या है, बी के अंदर क्या है, एग्जैक्टली. तो यहाँ पे हमने ये चीज भी प्रिंट कराई और ए प्लस बी इनका एडिशन भी. देन हमने ब्रेक किया, यानी यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए. उसके बाद दूसरा, अगर यूजर ने माइनस यूज किया तो हमने क्या बोला? सबट्रैक्शन ऑफ एंटर नंबर इज सेम, परसेंट डी माइनस परसेंट डी इज इक्वल टू परसेंट डी, व्हिच मींस दैट ए कॉमा बी कॉमा ए माइनस बी. यहाँ पे माइनस होना चाहिए उस टाइम पे. अब देखो, आप यहाँ पे एक चीज में बताने लगा हूं, अगर हमने यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अगर यूजर ने प्लस सिलेक्ट किया है तो उस वक्त क्या होना चाहिए? सम. लेकिन हम चेंज करेंगे. क्या करेंगे? चेंज करेंगे. क्यों? देखो क्यों हम करेंगे यहां पे काम. ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि प्रोग्रामर्स किसी के मोहताज नहीं होते, हम अपनी मर्जी के मोहताज होते हैं. समझ आ रही बात? अल्लाह के सिवा किसी के मोहताज. अब देखो, केस में मैं यूज करूंगा यहां पे प्लस. क्या किया मैंने? यूज प्लस. अगर यूजर ने प्लस लिखा, मैं उस वक्त सब्ट्रैक्शन कराऊंगा. क्या कराऊंगा? ये मेरी मर्जी है. आप F8 प्रेस कर लो यहां पे, इसको क्या हुआ? प्लस दोबारा. एग्जैक्टली. तो इस वाली चीज को क्या कर लो? कमिट कर दो अभी के लिए. सॉरी, ये मेरा कंप्यूटर आज ऐसे क्यों चल रहा है? आप यहां से लेकर यहां तक इसको क्या कर रहे हो? कमिट. आप देखो, हमने यहां पे क्या लिखा है, जब यूजर प्लस करेगा तो आपको क्या करना है? सबट्रैक्शन. हम F8 प्रेस करते हैं. वालेकुम अस्सलाम. यहां पे एंटर योर सजेशन. अब यूजर क्या करना चाहता है? एडिशन करना चाहता है ना? Yes, तो वो प्लस लिखेगा. एंटर योर नंबर. वो बोलेगा कि मुझे एडिशन करना है, 30 को एडिशन करना है 10. तो व्हाट शुड बी द रिजल्ट? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. हां, 40 आना चाहिए. Yes, तो जब हम एंटर करेंगे तो व्हाट इज द रिजल्ट? 20. व्हाई? हमने ऑपरेटर तो यूज किया प्लस का, लेकिन इसे काम क्या लिया? माइनस का.
तो इट मींस दैट कि जो आप यहां पे यूज करोगे ऑपरेटर और ऑपरेशन के दरमियान इसमें फर्क होता है। केस के अंदर हमने लिखा है कि अगर हमने प्लस अगर यूजर ने प्लस लिखा है तो उस टाइम पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो यही एग्जीक्यूट हो रही है। कोई क्वेश्चन? नो सर। समझ आया? यस सर।